हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSCR जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, एक और वैकेंसी निकल आया हूँ आपके लिए। EMRS में जो है TGT एंड हॉस्टल की जो है अवार्डमेंट की जो है कमेंट 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं, एकलव्य मॉडल रिक्वायर्ड स्कूल EMRS रिकमेंड 2023 अप्लाई ऑनलाइन TGT टीचर एंड हॉस्टल वार्डमैन। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 6,329 वैकेंसी पदों पे जो है भर्ती होएगी आपकी। ये एकलव्य के जो है यहाँ पे रखा गया है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये फ़ायदा है, जैसे वीडियो बनाना हो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। दोस्तों, अगर अपना भाई समझते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना। फिर आपको बताते हैं EMRS TGT भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, सरकारी रिजल्ट का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, डायरेक्ट आप आ जाना इस वेबसाइट पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है EMRS TGT एंड हॉस्टल वार्डमैन रिक्वायरमेंट 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई की कोई डेट नहीं रखी गई है, अभी सून आ रहा है तो कभी भी इसका जो है अप्लाई हो सकता है। लास्ट डेट इन्होंने रख दिया 18/8/2023, इसकी 18 लास्ट डेट रख दी है, बट ऑनलाइन अभी हुआ नहीं है ये। अगर आप 4 TGT पोस्ट जनरल OBC WS की 1500 रुपये फीस है। अगर आप SC ST की बात करें तो PH की बात करें तो आप यहाँ पर आपको फ्री फीस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म मिलेगा SC ST PH वालों के लिए। अगर आप हॉस्टल वार्डमैन का वैकेंसी भरते हो, मतलब पोस्ट करते हो, तो आपको जनरल OBC EWS को 1000 रुपये फीस है। SC ST PG PH वालों की कोई फीस नहीं रखी गई, यहाँ पे जीरो बैलेंस रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1500 और यहाँ पे जीरो, देख सकते हैं आप कितना फ़र्क है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे 6,329 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड ग्रेजुएशन TGT टीचर 56,060 वैकेंसी है, 35,000 मैक्सिमम मांग रहा है। बैचलर ऑफ डिग्री ऑफ अन्य सब्जेक्ट CTET पास, BEd पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप हॉस्टल वार्डमैन की बात करें तो 669 वैकेंसी निकाली गई है, 35 साल यहाँ पे भी चाहिए। बैचलर डिग्री ऑफ अन्य रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओनली बैचलर डिग्री मांगी है। कोई से भी आपने BCom BSc BTech जो भी कर रखा है वो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी में देख सकते हैं आप, जनरल के 248 पोस्ट हैं, EWS के 60 है, OBC के 163, SC के 90 है, 45 एक ST के है। टोटल 636 पोस्ट होगी। ऐसे आप देख सकते हैं हिंदी में, आर्ट में, म्यूजिक में, सारा जो है वैकेंसी में यहाँ पे दे रखा है, सारा कुछ ही इन्होंने खोल रखा है। गुजराती में, कनाडा में, बेंगलोरी में, उर्दू में, तेलंगाना में, मराठी में, जिससे भी आपको जौन सी भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे डिटेल रख रखी है अपनी वैकेंसी की। ठीक है दोस्तों, कौन सी पोस्ट की इसमें कितनी है। अगर आप इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात करें तो 273 जनरल वालों की है, EWS की 67 है, OBC की 181 है, SC की 100 है, ST की 50 है, टोटल आपकी 671 है। ऐसी आपको मैथ की बात करें तो 680 वैकेंसी है, 63 68 जो है आपकी EWS की है, OBC की 185 है, ST की जो है SC की आपकी 102 है और ST की 51 वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे सोशल साइंस का आप जिससे भी देख लेना, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो और देख सकते हैं इस पर कैसे कैसे क्या दे रखा है। अभी आपको अप्लाई ऑनलाइन का जैसे आप ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन नहीं खुलेगा अभी, क्योंकि इसका पोर्टल जो है अभी चालू नहीं किया है, लॉगिन एक्टिवेट नहीं किया है। तो जैसे इसका एक्टिवेट हो जाता है लिंक, मैं आपको इसका वीडियो बना के भी दे दूंगा, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अगर आप जैसे इसका जो है वीडियो मतलब कि ऑनलाइन होएगा, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप जो है इसके यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दो, आप डायरेक्ट आप देख लेना आके। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जो है अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो चुका है इस तरह से। ये नोटिफिकेशन ही है या कुछ और है, अभी आप मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, TGT की 1500 रुपये फीस है और
हॉस्टल वार्डन की जो है 1,000 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप एससी एसटी से पीएच से भरते हो फॉर्म तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म ऑनलाइन करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे देख लेते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी खोल के दे रखी है, कौन सी वैकेंसी कितने में, टीजीटी में 5,660 है, हॉस्टल वार्डमैन मेल वालों की 395 है, हॉस्टल वार्डमैन की फीमेल की 394 है, 334 सॉरी टोटल होगी आपकी 6,329 वैकेंसी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं सबकी अलग अलग कास्ट में यहाँ पे खोल के इन्होंने दिखा दी गई है कौन सी कास्ट में कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पे आप खुद भी देख लेना, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन सी वैकेंसी कौन सी है, उसमें कितनी पोस्ट है। तो बड़ी आसानी से जो है आप चेक कर पाएंगे अपना EMRS TGTN हॉस्टल वार्डमैन का जो है नोटिफिकेशन जो आया है। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो जब भी इसका फॉर्म ऑनलाइन होएगा मैं आपको ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाइयों और दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि TGT वालों को भी पता चल सके कि TGT में जो है वैकेंसी निकाल दी गई है वार्डमैन की और तुम्हारा हॉस्टल वार्डमैन की और TGT की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ काफ़ी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।